हेलो गाइस, वेलकम टू YTR टेक। दोस्तों, आप अपने स्मार्टफोन में ये गूगल का विजेट कैसे ला सकते हैं जिसमें आपको डे, मंथ एंड वेदर की इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है। अगर आप Redmi Note 4 यूज़ करते हैं, Redmi Note 5, Redmi Note 5 Pro, कोई भी Xiaomi का डिवाइस आप यूज़ करते हैं तो आप इस गूगल विजेट को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं Redmi Note 4 में ये काम अभी नहीं कर रहा है, पर मेरे Redmi Note 7 Pro एंड Redmi Note 5 Pro में ये काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो आज मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि आप इसे एक्टिवेट यानी कि यूज़ कैसे कर सकते हैं या इसे कैसे विजेट को लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, अभी मेरी जगह ऊपर एम्प्टी है, तो आपको जो है स्वाइप करना होगा अंदर की तरफ। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर जो है गूगल का विजेट यानी कि गूगल की ऑप्शन देखने को मिलेगी। इसमें जो फोर्थ ऑप्शन होगी वो ये विजेट होगा, पर जब इस पर आप क्लिक करते हैं तो आपको सिर्फ यहाँ पर जो है मंथ एंड डेट ही बताता है, वेदर की इंफॉर्मेशन नहीं आती है। दोस्तों, इसके कुछ कारण हैं, मैं आपको यहां पर बता देता हूं। यहां पर अगर आप टैप करते तो आप कैलेंडर में चले जाते हैं, पर वेदर की इंफॉर्मेशन नहीं आती है। तो आपको करना क्या है, आपको कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन नहीं चाहिए, आपको यहां पर सिर्फ सर्च करना है गूगल। यहां पर आपको ऑफिशियल गूगल की ऐप देखने को मिलेगी, ये कोई भी थर्ड पार्टी ऐप नहीं है, ये हमारे स्मार्टफोन में बिल्ट इन आती है। तो इसको आपने जो है वो अपडेट करना है। अपडेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर। तो एक बार आपने अपडेट करने पे लगा दी तो उसके बाद आपको एक दो चीज़ें और करनी है। आपको GPS ऑन करना है। यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल में आपको टॉगल मिल जाता है GPS का, उसको ऑन कर दीजिए और आपकी लोकेशन सर्विसेज जो हैं वो ऑन होनी चाहिए। तो आप सेटिंग्स में जाकर यहाँ पर जो है अपनी लोकेशन सर्विसेज ढूंढ लीजिए और यहाँ पर इसको ऑन कर दीजिए। ये भी ऑन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक बार आपकी जो ऐप है वो अपडेट हो जाती है तो आप इसको जो है इसको भी उतार दीजिए, ये विजेट को भी यहाँ से निकाल दीजिए। तो यहाँ पर देख लीजिए, अभी भी जो है वो ऐप अपडेट हो रही है। तो अपडेट हो चुकी है, तो यहाँ पर इसको आपको जो है एक बार ओपन करना है। एक बार आपने ओपन इसको कर लिया और कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक बार ओपन करना है ताकि ये एक्टिवेट हो जाए। उसके बाद आपको क्या करना है, होम स्क्रीन पे चले जाना है, पिंच इन करना है। फिर से मैं आपको भी दिखा देता हूँ, पिंच इन करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे फिर से जाना है जहाँ पर जो गूगल की जो विजेट्स हैं इसको लगा देना है। तो दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए हमारा विजेट जो है वो यहाँ पर अब वेदर इंफॉर्मेशन दिखा रहा है। दोस्तों, अगर आपका ये जो नहीं आता है वेदर इंफॉर्मेशन, आप अपनी जो है MI की वेदर ऐप चेक कीजिए वो ऑन है या नहीं, उसको जो है परमिशन दे दीजिए ताकि वो वेदर कलेक्ट कर सके। और उसके बाद दोस्तों, आपको जो है GPS ऑफ कर देना है। GPS ऑन ऑफ करने के बाद आपको जो है लोकेशन सर्विसेज भी ऑफ कर देनी है। आपका सिर्फ जो है इंटरनेट काम करना चाहिए, बस और कुछ नहीं। तो आपका जो विजेट है वो इस प्रकार से काम करने लगेगा। तो दोस्तों, यही एक इन्फॉर्मेशन आज आपको देनी थी। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।